सुव्रतानैः स्थिरचरणिकरा व्यापिभिर्व्याप्यलोकान् भुक्त्वा भोगान्ष्टविष्टान् पुनरपि भीषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नरोऽस्मि। अथर्वेदीय मांडुक्य उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हुए हम लोग सात मंत्र तक कर लिया है ना, और छठा मंत्र तक जो कारिका हमने संभव था वो कारिका करने दिखाया, और सातवां मंत्र के अंदर क्या रहस्यमय तत्व छुपा हुआ है उसको कथन करने के लिए आगे आया। पहला छह मंत्र के द्वारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में उपहित चेतन का व्यवहार क्या होता है वो दिखाया गया है। सातवां मंत्र में चेतन तो वही है परंतु वो जो व्यभिचारी व्यवहार है, व्यवहार में व्यभिचारित्व है वो मिथ्या, इसलिए उसी जगह पर उसका निषेध करके भी दिखाया। यही मिथ्या का लक्षण होता है कि जहाँ पे जो वस्तु दिखाई पड़ते हैं उसी जगह पे यदि उसका निषेध हो जाता है उसी को हम मिथ्या बोलते हैं वेदांतिक परिभाषा से। अब जो है हम लोग इस विषय में पेज 54 शुरू होगा ना, ठीक है, मतलब कारिका नंबर 10 वहाँ से आज का पाठ शुरू होगा। अत्र एते श्लोका भवन्ति है ना, गौरपादीय श्लोका, मतलब इस विषय में सातवां मंत्र में जो कहा गया है उस विषय को स्पष्ट करने के लिए जो है अभी कारिका मतलब गौरपादाचार्य कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पे कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, ठीक है, श्लोक को पढ़ते हैं। पहले का टीका बचा था नाम, पहले वाला नहीं, इसके लिए थोड़ा उपघात है। हाँ जी, अच्छा, न अंत प्रज्ञम इत्यादि श्रुतियुक्ते अर्थे तद विवरण रूपान श्लोकान अवतारयति है ना। आप देखिए यहाँ पे कि न अंत प्रज्ञम इत्यादि श्रुतियुक्ते अर्थ, न अंत प्रज्ञा न भयप्रज्ञा न उभयचर सात्मक लिखा, इसमें जो श्रुति ने जो कहा मैंने बता दी, श्रुति ने जो कहा उस विषय में श्रुति युक्त अर्थ है तब विवरण एक लिखा यहाँ पे विवरण विवरण रूपान रूपान है तो तीनों दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ तो ना ना का यहाँ हो गया क्योंकि जो शाह है ना शाह है स्पष्ट चुना चुना तब विवरण रूपान श्लोकान अवतारे श्लोक के अवतरण करते हैं। क्या बोलते हैं, अत्र एते श्लोका भवन्ति, ऊपर इस विषय में इस श्लोक को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे टीकाकार लिख रहे हैं विविधं स्थान त्रयम् अस्मात् भवति इति व्युत्पत्त्या तुरीय विभुतम्, श्लोक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आइए। निप्रेते सर्वदुःखानां ईशान प्रभुरव्ययः ईशान प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्य विभुः स्मृतः देवस्तुर्य विभुः स्मृतः निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशान प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्य विभुः स्मृतः। ऐसे कई बार हम बोल करके आए कि देखो ज्ञान ब्रह्म ही सुख आनंद का कारण है और अज्ञान ही दुख का कारण है, मुख्य रूप से ही सामान्य जगत में यही दिखा जाता है। तभी हम बोलते हैं कि किसी किसी स्थान में अज्ञान सामान्य मान के व्यवहार करना ठीक है परंतु दुख के कारण तक वस्तु संबंधित अज्ञान ही होता है। अब जगत के अधिष्ठान के रूप में जिस तत्व को कहना चाहते हैं उस तत्व की अज्ञान ही जगत सृष्टि अथवा जगत देखना तत्संबंधित दुख भोगने के लिए हेतु होते हैं, और तत्संबंधित ज्ञान क्या होता है
उस अज्ञान को मिटा करके अत्यंतिक दुख निवृत्त करते, इसलिए बोलते हैं निवृत्ते सर्व दुखाना, समस्त दुख दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति के लिए है निवृत्त में ईशान, ईशान मतलब क्या है, मालिक ईश्वर शासन करने वाला है ना, पर ईशान बोल करके बोल रहे प्रभु, और प्रभु कैसे अव्यय, इसमें कोई व्यय नहीं है, तो ईशान और ईशान का व्याख्या है प्रभु, पंचकार बोलेंगे ईशान मतलब होता है शासन। शासन दो प्रकार से होता है, राजा अपने दंड से डरा डरा के इससे लोगों से काम कराते हैं, और एक होता है घर के पिताजी अपनी स्नेह से बच्चे को काम कराते हैं। देखा दोनों प्रकार के, बच्चे को बोलना नहीं पड़ता, उनके पिताजी दफ्तर जाएंगे छाना जिस तैयार करके पाठ रूप करते हैं, तो ये जो है ईश्वर सब दुख को मिटाने के लिए वही मालिक है। वो तो मालिक कैसे हैं, प्रभु। प्रभु मतलब क्या है कि आपके अंदर बैठ करके आपके अभिन्न रूप से आपके अंदर स्फुरित होकर के आपसे काम कराते, मतलब भेद दृष्टि से नहीं, भेद दृष्टि से नहीं, इसलिए उसको प्रभु कहा गया, ईशान प्रभु, प्रभु और सामान्य शासक और प्रभु, ये शासक है ये और ये प्रभु है, ये दोनों में थोड़ा भिन्नता को समझने का कोशिश करना। शासक मतलब क्या होता है, मैं राजा हूँ, ये मेरा प्रजा है, सुशासन कर, पहले बोले इस प्रकार पूरा संसार में प्रशासन है, परंतु इतना होते हुए भी अंदर बैठ करके नियमन करते हैं प्रीतिपूर्वक संबंध, उससे कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है, इतना भगवत गीता पढ़ने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, ये प्रभुत्व, ये प्रभुत्व, ये नहीं बोला कि तुझे करना ही पड़ेगा जो मैं बोल, ठीक है तुम्हारा हमारा जो कहना था वो हमने कह दिया, अब तुम क्या करोगे वो प्रभुत्व है, यदि हमारा कहना तुमको समझ में आ जाएगा तो निश्चित हो काम करोगे, ये प्रभुत्व है, ये बोला ईशान शब्द का अर्थ कर दिया प्रभुत्व, और ये प्रभुत्व उनका व्यभिचार नहीं करता, अव्यय अनादिकाल से एक ही चलता है, अनादिकाल से इसी में जो व्यय रहित अवस्था में किसी भी अवस्था में कोई परिवर्तन इसमें नहीं है, परिवर्तन जहाँ पे नाम रूप में भाव वस्तु है उसके अंदर अही अद्वैत तत्व छुपा हुआ है, परिवर्तनात्मक नाम रूपात्मक जगत में अद्वैत सर्वभावना, द्वैतात्मक भेद में नाम रूपात्मक में उसमें वो अद्वैत तत्व भेद रहित तत्व छुपा हुआ, समस्त विषयों में है ना, समस्त विषय भावाना समस्त भाव वस्तुओं में अद्वैत वो भेद रहित तत्व है, समस्त भाव अलग अलग दिखाई पड़ता है परंतु उसके अंदर ही अविभक्तम विभक्तेश भगवत गीता में समस्त विभक्त वस्तु में जो अभिभक्त तत्व है अभिभक्तम विभक्त, इस प्रकार यहाँ पे अद्वैत सर्वभावान कौन है, देव स्वयं प्रकाश, तूर्य मतलब ये तीन अवस्था से विलक्षण, विभु, विभु शब्द का सामान्य अर्थ होता है व्यापक, परंतु हमारे वेदांत में विभु शब्द का भगवान भाष्यकर भी ऐसा बोलते हैं विविध आकारेण भवति इति विभु और विविधम अस्मात् भवति इति विभु, दोनों प्रकार से उत्पत्ति होता है, विविध आकारेण भवति, विवर्तवाद में क्या बोलता है वही, यदि विवर्तवाद में विभु का अर्थ करेंगे विभु तो मतलब विविध आकारेण भवति वही अपने आप अनेक, जैसे एक ही रज्जु सर्प जलधारा भूषित दंड माला कई रूप में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना, तो ये हुआ विवर्तवाद, और जब हम माया को आश्रय लेकर ईश्वर को लेकर परिणाम मतलब है विविध विविधम अस्मात् भवति अतः विविध रूपम अस्मात् भवति, सारा रूप इससे उत्पन्न होते परिणाम बात को लेकर के तो माया को साथ लेकर के बोलते हैं, ठीक है ना, आनंद गिरि जी बोल रहे हैं इसको, इसको बोलते हैं विभु, असामान्य विभु शब्द का उसे कहते हैं व्यापक व्यापक, स्मृत इस प्रकार से उनको स्मरण किया जाता है, तत्ववेत्ता पुरुष उसको इस प्रकार से स्मरण करते हैं व्यापक मानेंगे। अब देखिए आनंद गिरि जी पहले भाष्यकार में प्रवेश करने से आनंद गिरि जी पहले स्वयं श्लोक का अर्थ लिखते हैं विविधम स्थान त्रयम अस्मात् भवति इति व्युत्पत्त्या तुरीय विभुरुच्यते, देखिए यहाँ पे पंचमी किया विविधम स्थान, विविधम क्या है तीन स्थान, स्थान त्रयम अस्मात् भवति इससे होता है, पंचमी भक्ति किया मतलब परिणाम बात को माया मान्यता देकर, माया के बिना तो होगा नहीं, माया के बिना होगा अस्मात् इससे होता है, मृत्तिका से अनेक बर्तन बनता है, एक ये शब्द है मृत्तिका अनेक बर्तन रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी है मृत्तिका से अनेक प्रकार की मिट्टी का बर्तन बनते हैं,
एक शब्द प्रयोग है और मृत्तिका अनेक बर्तनों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये शब्द प्रयोग है, दोनों प्रयोग है। ये प्रयोग में अभिप्राय है, बोलने वाला क्या कहना चाहते हैं, कार्य कारण अनन्यत्व नहीं होता, दोनों जगह कार्य कारण को छोड़कर रह नहीं सकता, ये तो दोनों जगह पे विभक्षित है, परंतु एक बात अस्मात मृत्तिका ये परिणाम बात को लेकर और एक बोलते हैं कि विवर्त बात मृत्तिका ही अनेक नाम रूप में दिखाई देता है, ठीक है। ये वेदांत में दोनों प्रकार से चलते हैं शब्द प्रयोग, वेदांत में यद्यपि निर्गुण निराकार निर्विशेष के लिए कुछ शब्द प्रयोग नहीं है, परंतु समझाने के लिए हम क्या बोलते हैं, जो भी नाम रूप दिखाई वर्ण है उसी का ही है जिसका ये सारा नाम रूप है, ये हो गया विभू। इसलिए आप बोलते हैं देखिए विविधम स्थान, विविधम क्या हो गया स्थान त्रय है ना, विविध रूपेण भवति स्थान त्रय अस्मात् भवति, देखिए पंच विभक्ति करते हैं इससे होता है हाँ, उत्पत्त्या तुरीय विभुर उच्यते, भगवत भाष्य का विविध रूपेण भवति वहाँ पे सर्वगत विभु आया हुआ है ना, यद्य अदृश्यमागह्यम अगत्रम अवर्णम चक्षुषोत्रम तदपान पादम फिर नित्यम सर्वगतम विभु, वहाँ पे सर्वगतम भी आया विभु भी आया मुंडक उपनिषद हाँ, तो विभु मतलब सर्वगत होता ही है, विविध रूपेण भवति, विविध रूप अस्मात् भवति नहीं देखा भगवत भाष्य का, विविध रूपेण भवति मुंडक उपनिषद में विभु शब्द का अर्थ करते भगवान भाष्यकार विभु शब्द का अर्थ करते हैं हाँ, विविध रूपेण भवति मतलब अपने आप अनेक रूप में अभिव्यक्त होते हैं, और यहाँ पे आनंद गिरी जी बोल रहे हैं विविध रूप में अस्मात् भवति, क्या भिन्नता है जरा सोचना इस, ठीक है ना, इस चीज को समझना, क्योंकि ये भाष्य को याद रख थोड़ा मन में रहने से ना आपको पता लगेगा कि हमारे सिद्धांत दोनों में कोई गलत नहीं है, एक परिणाम बात को लेकर माया उपाधि के साथ बोल रहे और एक निर्गुण निकेतन प्रकरण उसमें प्रतिज्ञा किया कि अथो पराजयात अदक्षरम अधिगम्यते, पराविद्या को लेकर के बोल रहे, पराविद्या में निर्गुण निराकार को समझाना है, इसलिए विविध रूपेण भवति। इसी प्रकार सर्वज्ञ सर्वविद शब्द आएगा आपके पास, सर्वज्ञ सर्वविद भगवान भाष्यकार वहां पे लिखते हैं सर्वम सामान्य न जानाति इति सर्वज्ञ, सर्वम विशेष रूपेण जानाति सर्वविद, और एक जगह यहाँ पे आएगा बोलते हैं सर्वस्व अशोभ सर्वज्ञ, जो सर्व है वही ज्ञान रूप स्वरूप है, सर्वस्व अशोभ कर्म थोड़ा समझ कर दिया मात्र सर्वज्ञ, सर्वम सर्वम सामान्य रूपेण जानाति, सर्वम सामान्य रूपेण जानाति वो क्या हो जाएगा सर्वज्ञ, और सर्वम विशेष रूपेण जानाति सर्वविद, और इसी सर्वज्ञ शब्द का यहीं पे आएगा तो वहाँ पे बोलेंगे सर्वस्व अशोभ दिखाई पड़ते हैं, ये जो है विवक्षा के हिसाब से वक्ता कैसे समझाना चाहते हैं इसलिए आप बोलते हैं आनंद गिरिजी ने ऐसा बोला, इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा नहीं क्यों आप देखिएगा नहीं तुरीय अतिरेक न स्थान त्रय आत्मान धारयति, क्यों आप देखिए बोला तो वहां पे होता है, आप विवर्तवाद को लाने के लिए क्या बोल रहे हैं कि तुरियों का अधिष्ठान के बिना कोई भी भ्रांत वस्तु शरीर आत्मलाभ नहीं कर सकता, दे कैन नॉट कम इनटू द एग्जिस्टेंस, भ्रांत वस्तु आत्मलाभ नहीं कर सकता मतलब प्रतीति नहीं हो सकता अधिष्ठान के बिना, ठीक है ना, दे कैन नॉट कम इनटू, उसको बोलते हैं नहीं तुरीय अतिरेक न तुरीय को छोड़ करके अधिष्ठान रूप शुद्ध चेतन तर्क को छोड़ करके स्थान त्रय आत्मान धारयति, तीन स्थान अपने को धारण नहीं कर सकता मतलब सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकता, तो सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते तीनों स्थान जो उसी के ऊपर दिखाई पड़ते हैं उसी को प्रतीति होते हैं, आप हो गया अस्मात् भवति का मतलब ये परिणाम नहीं हुआ, समझ में आया आपको, आनंद की शब्द पहले क्या बोला इससे ये तीन दिखाई पड़ते हैं, मतलब आप क्या बोलते हैं ये इस रूप में परिणाम ये नहीं बोल रहा, इसी के कारण ये सब आत्मलाभ करते हैं मतलब अधिष्ठान रहने के कारण रज्जु को रज्जु रूपी अधिष्ठान होने के कारण सर्व दिखाई पड़ती है, इसलिए दोनों प्रकार की जो है वेदांत में आपको शब्द मिलेगा स्थान विशेष में आप उसका अर्थ का हमारा जो मतलब अभिप्रेत अर्थ है उसी को भी आपको देखना है, देखिए शांति तुरंत वहाँ पर घुमा दिया नहीं तुरीय अतिरेक न स्थान त्रय आत्मान धारित ये तुरीय मतलब निर्विशेष को छोड़ करके कोई भी वस्तु सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते, सर्व दुखानाम ठीक है ना निवृत्ति सर्व दुखानाम, पहले विभु शब्द का अर्थ कर दिया अब फिर बोलता है सर्व दुखानाम, कितने प्रकार के दुख है हमारे पास
आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक तीन प्रकार के दुख होते हैं। इसलिए बोलते हैं सर्व दुखानां आध्यात्मिक आदि भेद भिन्नानां आध्यात्मिक आदि से विशेषता दिखाई पड़ती है उसका तद हेतुनाम तद आधारानाम इति जावत। उसका हेतु क्या है, दुख भोगने का हेतु क्या है, अज्ञान अधिष्ठान की अज्ञानी। मैं बोला इसे होता है तद हेतु ना उसको अलग अलग विषय के आध्यात्मिक संबंध ज्ञान है तद आधाराणाम इति जावत। उसका जो अधिष्ठान मत अज्ञान तद आधाराणाम विश्वादी नाम इसके में दिखाई पड़ता है दुख भोगने का। मैं स्थूल शरीर से तादात्म्य करता हूँ सूक्ष्म शरीर के तादात्म्य कर दुख भोगता हूँ यही है। इसलिए तद आधाराणाम दुख भोगने के आधार ही है उपाधि के लेकर के दुख भोगते उपाधि के साथ तादात्म्य छोड़ दें कोई दुख नहीं है यही अभिप्राय से बोलना है। ईशानम पदम प्रयुज्य प्रभु पदम प्रयुंजानस्य पौनरुक्तम इति आशंक आवाजाय भाषण ठीक है ना। पहले गौरवाचार्य ने पहले ईशान पद को प्रयोग किया फिर उसके बाद प्रभु पद प्रयोग किया इसमें क्या अभिप्राय है ठीक है ना। ईशान पदम प्रयुज्य ईशान पद को प्रयोग करके प्रभु पदम प्रयुंजानस्य जो प्रभु पद को फिर उसको प्रयोग करने का पौनरुक्तम उसमें पुनरुक्ति हो जाएगा ऐसा कोई शंका करते हैं तो उसको उत्तर भाष्यकार बोलेंगे। अब आइए भाष्य में आ जाइए प्राज्ञतैजस्य विश्वलक्षणानां सर्वदुःखानां निवृत्तेर ईशानतुरीय आत्मा ठीक है ना। ये उपाधि के साथ तादात्म्य करके जो दुख हम भोगते हैं वो उसका निराकरण करने के लिए उपाय क्या है उसके अधिष्ठान को जानना। अधिष्ठान को जानने से भ्रांत वत्स संबंधित आसक्ति व भय देश दोनों ही नहीं होगा। अधिष्ठान को जान लेने पर वो भ्रांत वस्तु संबंधित जो राग अथवा देश अथवा आसक्ति अथवा भीति दोनों नहीं होते वो मिट जाता है उसी से दुख होता है आसक्ति से भी दुख भीति से भी दुख। इसलिए बोलते हैं प्राज्ञ तैजस विश्व लक्षणाना प्राज्ञ तैजस और विश्व का तरह देखिए यहाँ पे कहाँ से शुरू किया बोलने का समय शुरू किया था विश्व तैजस प्राज्ञ। आप क्या कहते हैं रिवर्स प्रक्रिया। रिवर्स प्रक्रिया क्यों है लय प्रक्रिया ठीक है ना। ब्रह्म सूत्र में आया था जिस क्रम से उत्पत्ति है उसी क्रम से लय होगा कि नहीं नहीं उसका विपरीत क्रम से लय होगा यानी मतलब उल्टा से क्रम जिस क्रम से उत्पत्ति हुई उसका क्योंकि कार्य कारण को नाश हो जाए कार्य बना रहे हो नहीं सकते इसलिए कार्य को कारण में लय करते हुए पृथ्वी से जल जल से हाँ ऐसा कर। इसलिए आपने देखिए यहाँ भी क्रम ऐसा एक नंबर तिरपन में देखिए विपर्ययेन लय क्रम मनसि निधाय तद उपयोगिताया विन्नस्यति ठीक है ना। यहाँ पे क्या है हमको विचार करना है विचार पूर्वक जानना स्वप्न सुषुप्ति से अपना तादात्म्य को छोड़ना है तो फल ध्यान में क्या बोलते हैं कहाँ से करेंगे जागृत काल में बैठ करके ये जो अज्ञान मूल अज्ञान बीज जो सारा चीज है बीज को नाश करना उसको दिखा रहे हैं। पहले ये बीज है और बीज सूक्ष्म रूप में अभिव्यक्त होता है फिर स्थूल रूप में दिखाई पड़ता है उसको नाश कैसे बोलते हैं। यहाँ पे विपर्यय मतलब विपरीत क्रम से लय क्रम मन से मय मतलब लय के क्रम को मन में रखते हुए भगवान भाष्यकर ऐसा लिखा। हमारे पास दो प्रक्रिया है ना एक अध्यारोप और एक अपवाद। अपवाद प्रक्रिया में हम जितना ऊपर गए ये अध्यारोप करते समय मूल से लेकर के आगे बढ़ते गए और अपवाद करते समय क्या करना ऊपर से पीछे आना पड़ेगा ठीक है ना। इसी नाम में बोलता है ये लय क्रम मनुष्य निधाय तद उपयोगिता लय क्रम को मन में रखकर उसको उपयोगी के रूप में विन्नस्यति यहाँ पे व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकर। प्राज्ञ तैजस्य विश्व लक्षणानां सर्व दुःखानां जिसके द्वारा लक्षित होता है समस्त प्रकार के दुख आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक निवृत्ति है इसकी निवृत्ति के लिए ईशान ईशान मतलब मालिक ईश्वर कौन है। एक देखिए स्पष्ट रूप से समझ गया ना आपको कि ये ज्ञात ब्रह्म ही दुख निवृत्ति के लिए हेतु है और अज्ञात ब्रह्म ही हमारा दुख के लिए हेतु दुख के लिए हेतु एक दुख निवृत्ति के लिए एक बंधन के हेतु बस। और इसके सिवा वेदांत में माया हुआ तो क्या समझना यही अमान्य को कालिका में इसी का इसी जगह पे खड़ा रह जाना बिल्कुल बस। अधिष्ठान की ज्ञान दुख निवृत्ति के हेतु और अधिष्ठान की अज्ञान दुख में डुबा है बस इतना ही अज्ञान हेतु है। ईशान तुरीय आत्मा उसका मालिक अथवा शासन करने वाला दुख को मिटाने के लिए जो भी प्रशासन चाहिए उसको एकमात्र ये तुरीय आत्मा। तुरीय आत्मा मतलब निर्विशेष तत्व ये तीन से विलक्षण तीन से चौथा नहीं समझना है तीन से स्वप्न सुषुप्ति से विलक्षण लक्षण की भिन्नता यहाँ पे। अब जो बोले थे वहाँ पे कि इसी का ये ईशान शब्द का अर्थ करते हैं एक पद से इस भाष्य के ईशान इति पदस्य व्याख्यानम प्रभु इति ईशान इस पद का ही व्याख्यान है प्रभु
ईश्वर शब्द माली मतलब शासन कर, ईशान मतलब क्या हो जाएगा शासन करने वाला, दुख निवृत्ति को शासन करने वाला होता है हमारा तुरी। मतलब कैसे शासन करने वाला है, तो बोलते हैं प्रभु मालिक है, वो मालिक है। मालिक क्या है कि हर चीज को नजर रखते हैं, लोगों को प्रीति से काम लेते हैं, लोग समझते हैं कि इस चीज को जो अरे यदि हम इसका ही काम कर देंगे मालिक हमारे प्रति संतुष्ट होंगे, मालिक भी तो हमको देते हैं, सारा चीज तो दिया हुआ मालिक का ही है ना, तो मालिक को अर्पण कर दो, उसके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा कर हमने दुख नहीं बनाया। भगवान की सृष्टि में भगवान ने दुख नहीं नाचा, क्या बोलते हैं सुखी ने आनंद आदि खनिमानी भूताने जयंत आनंद न जाता नहीं जीवन, किसी को पूछ के देखो मैं दुखी हूँ, शास्त्र बोल रहे हैं तू आनंद से उत्पन्न हुआ, आनंद में स्थिर है, आनंद में लय प्राप्त करेगा, और किसी को पूछ के देखो बोलते हैं दुखी, क्या बात है। भगवान बोलते हैं मैं आनंद से सृष्टि किया, यही जहाँ पे हमने भगवान सृष्टि को छोड़ के मनोराज्य को बना दिया, ये मेरा कोई हमारे कोई दुखी नहीं होता है। प्रभु शब्द का अभिप्राय यही है, वो मालिक है, उनके ऊपर छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो, दुख टेंशन कम हो जाए। भगवान में अटेंशन तो टेंशन कम, जगत में अटेंशन तो टेंशन अधिक। यह भी है कि ईशान इतिहास से पदस्य व्याख्यान प्रभु, उसी का व्याख्यान है प्रभु। अच्छा देखिए ये चीज जो है ये यहाँ पे नहीं बोला, कार्य सात नंबर में ये कार्य का क्लेश है। नारायण कृपा से इसको प्राप्त किया था, नारायण को भूलेंगे कैसे, मालिक है ना, इसलिए हजार बार बोल रहे हैं परंतु नारायण को छोड़ के नहीं, बद्रीनाथ में बैठ करके नारायण कृपा से प्राप्त किए थे ना एक जो आते फिर दुख निवृत्ति प्रति प्रभवती इति अर्थ प्रभु। ये देखिए यहाँ पे दुख निवृत्ति प्रभु प्रकृष्ट रूपेण भवति इति प्रभु, प्रभु प्रभु शब्द का देखिए भाष्यकार के देखिए भाष्यकार की शैली देखिए, दुख निवृत्ति प्रति प्रकृष्ट रूपेण भवति प्रभवति, दुख निवृत्ति के लिए एकमात्र सबसे अच्छा उपाय यही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाकी दुख निवृत्ति करेंगे ना वो आपको तात्कालिक होगा, पेट दर्द हुआ सर दर्द हुआ दवाई खाए तात्कालिक हो, दोबारा नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। भूख लगी खाना खाए छः घंटे बाद भूख भी लग जाएगा, कोई बीमार पड़ा लंबा ट्रीटमेंट किया वो भी ठीक हो, परंतु फिर भी हमको दुख होगा, उस दुख का दोबारा नहीं मिलना। परंतु आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए यही शब्द रूप में दुख निवृत्ति प्रति दुख निवृत्ति के लिए प्रतिष्ठ रूपे न भावती सबसे अच्छा, इसीलिए हमेशा कोई समस्या आए तो समझना कि इसका समाधान एक ही है भगवान, किसी भी समस्या के समाधान एक ही है भगवान, वो चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा, नहीं चाहेंगे कितना भी प्रयास करो, इसलिए बाकी प्रयास हम छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम ईश्वर को शरण बोलना नहीं। देखो भगवान हर दुख निवृत्ति प्रति प्रभवती, दुख निवृत्ति के लिए वो प्रतिष्ठ रूप में आपके लिखा है आपके साथ प्रभु, इसे देखो अपने आप ईशान बोल करके प्रभु बोलने के लिए कि मतलब आपके लिए प्रतिष्ठ रूप में भवती दुख निवृत्ति के लिए वही एक तत्व है जो आपको हमेशा मदद करता है, प्रतिष्ठ रूप से आपके साथ रहता है। भू सत्तायाम धातु है, भू धातु का शब्द क्या है, भू सत्तायाम भवति मतलब हमेशा जो आपके साथ है प्रभु रहता है। शब्द प्रयोग करके भी देखेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे संप्रदाय के आचार्य जो कितना विचार करके लिखा इसको प्रकृष्ट रूप में भवति, प्रकट होता है ये भी तो प्रभुवती में प्रकट होता है, प्रकृष्ट रूप में करोति प्रकटति ये भी हो सकता है, अपने आपको भी व्यक्त करते हैं। यहाँ पे तो भू धातु बोला तो भवति लगा दिया सत्ता के रूप में। अच्छा आगे देखिए टीका में आ जाइए, तुरीयस्य दुख निवृत्ति प्रति सामर्थ्यस्य नित्यत्वात् न कदाचिदपि दुःखं स्यादिति आशंका आह। अब क्या है आपने क्या बोला, दुख निवृत्ति मतलब वो आनंद स्वरूप है, ठीक है भाई, तो आनंद स्वरूप में दुख कहाँ से आ गया, तुरीय यदि आनंद स्वरूप है तो दुख कहाँ से आया, बोलता है दुख उसमें नहीं आया, दुख बोले तुमने नहीं जाना वो तुम्हारे दुख के कारण, उसमें दुख का भी है कितने सुंदर, तुरीयस्य दुख निवृत्ति प्रति सामर्थ्य तुरीय, जिसको दुख निवृत्ति के लिए बिल्कुल पूर्ण सामर्थ्य ऐसा आपने कहा, क्योंकि वो नित्य होने के कारण न, तब क्या होगा वो दुख उसमें नित्य, उनके अंदर जो आनंद है वो अनित्य है कि नित्य आनंद है, नित्य आनंद है वो, जो नित्य आनंद स्वरूप वहां पर दुख कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा दुख, इसलिए वो बोलते हैं नित्यत्वात् न कदापि च दुःखं स्यात्, तब तो कभी दुख होना ही नहीं चाहिए ऐसा कोई शंका करते हैं, तो दुख को
गड़बड़ कहीं पे हो गया, क्या हो गया? यदि उसको तुमने जान लिया कि ये आनंद स्वरूप है, तब तो तुम्हारा कोई परेशानी नहीं, तुमने जाना नहीं ना, इसीलिए तुम्हारा दुख होता है। यदि मनुष्य अपने को जान लेता है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो बाहर आनंद ढूंढेगा ही नहीं। जब तक बाहर आनंद ढूंढेगा, तब तक दुखी होता रहेगा। ये तो भगवान स्वयं अपने आप बोलते हैं, विषय इंद्रिय संयोगा जादाग्र अमृत भम परिणाम विषम एवं, मतलब दुख भी, वही तो हमारे लिए दुख का कारण होता है। इसीलिए आप बोलते हैं वो नहीं जानना ही हमारा दुख का कारण है। इसलिए बल्कि शंका उठा है, इसलिए भगवान भाष्य का लिखते हैं तद विज्ञान निमित्तत्व दुख निवृत्ति। भाष्य का छोटा बात होता है, बस दुख निवृत्ति क्या होता है, उसकी ज्ञान से अज्ञान ही दुख का हेतु है। इसलिए हमारे यहाँ वेदांत का मुख्य सिद्धांत यही है, अज्ञान ब्रह्म ही सब कुछ के लिए कारण है। बंधन के हेतु भी वही है, मुक्ति के लिए भी वही है, ब्रह्म ही है। अज्ञान ब्रह्म बंधन के हेतु, ज्ञान नहीं मुक्त। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तद विज्ञान निमित्तत्व के गुरु परम तत्व की तुर्यपद के विज्ञान के निमित्त से दुख का निवृत्ति होने के कारण दुख को निवृत्ति। तो एक नंबर टिप्पणी से लिखा तद विज्ञान इत्यादि विज्ञात स दुख निवृत्ति निमित्त न अभिज्ञात। टिप्पणी का स्पष्ट समझा दिया। देखो भाई, जब आप जान लोगे कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, तब तुम्हारा दुख निवृत्ति हो। जब तक नहीं जानते हो, तब तक तो संसार का आनंद दुख हो, तब तक दुख होना पड़ेगा। इस बोलता है विज्ञात स दुख निवृत्ति, जान लिया गया वो तत्व तो, वो दुख निवृत्ति के निमित्त मतलब ना अभिज्ञात तस्य तु सर्वसाधकत्व। वो एक ही तत्व बंधन का भी हेतु है और मुक्ति का भी हेतु है, वही तस्य तु सर्वसाधकत्व। तो सब कुछ कर देते हैं वो, बंधन में भी वही डालने वाला है और मुक्ति भी वही करते हैं। तस्य तु सर्वसाधकत्व इति भाव, इसका अंदर भाव है। फिर आगे आ जाइए टीका में, संश्लिष्ट रूपेण व्यय अस्ति इति आशंका विनष्टि। हमें तो हर चीज संसार में जो है छह शिव दिखाई पड़ते हैं, है कि नहीं? संसार में हर वस्तु हमको व्यय होते हुए दिखाई पड़ते हैं। धन दौलत हो, आपका रूप गुण हो, कुछ भी हो, व्यय होते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप बोलते हो अव्यय है, ये कैसे? बोलते हैं इनके पास ना कोई कोष है, कोई धन है कि व्यय करेगा, इसलिए व्यय। इसके पास ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है, ना कोष है, तो व्यय किसका होगा? इसका, इसलिए अव्यय। ठीक है ना? ये सब चीज रहने से जितना पोजिशन रहेगा उतना आप दुखी, क्योंकि व्यय से दुखी होंगे। और बस कुछ नहीं है तो शुक्रिय, यही तो हमारे उसमें दिखाया, क्षत्रिय स्वकाम अर्थात आनंद समीवांश में ही दिखाया है ना, कि जितना सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? अकाम हत, ये वासनाओं के द्वारा पीड़ित नहीं है, वो संसार में सबसे सुखी व्यक्ति है। संशिष्ट रूपेण व्यय अस्ति, संशिष्ट मतलब किसी के साथ तादात्म्य करके इसके अंदर व्यय होता है। दो नंबर टिप्पणी, संशिष्ट मतलब सो उपाधि ना इति अर्थ, उपाधि के साथ, उपाधि के साथ तादात्म करके व्यय दिखाई पड़ता, हाय मैं मरूंगा, हाय मैं बुढ़ा हो गया, हाय हाथ में पीड़ा, पेट में पीड़ा, हाय हाय छूटता ही नहीं है। क्यों? उपाधि के साथ तादात्म करके, उपाधि के साथ तादात्म करके, इसलिए होता है संशिष्ट रूप है ना व्यय अस्थि, उपाधि के साथ तादात्म करके इसका व्यय है। यदि ऐसा कोई शंका करते हैं विषय नष्टि, नहीं नहीं ऊपर से देखने दो, अव्यय न व्ययति स्वरूपात न व्यभिचरति देव, अपने स्वरूप में कभी व्यभिचार नहीं करता। अव्यय अर्थ क्या कर दिया? न व्ययति, उसका व्यय नहीं होता। हमको तो सब व्यय वाला दिखाई पड़ता है संसार में, वो स्वरूप से व्यभिचार नहीं करता है ना। स्वरूपात न व्यभिचरति, अपने स्वरूप में कभी व्यभिचार नहीं, उपाधि में व्यभिचार है, स्वरूप में व्यभिचार नहीं है। इति जानो। अब देखिए एक घड़ा है, हमने क्या बोला? घड़ा है। अब यहाँ से ले गया तब क्या बोलते हैं? घड़ा नहीं है, घड़ा टूटा हुआ है, ठीक है ना? घड़ा है, घड़ा नहीं है, घड़ा टूटा हुआ है, ठीक है ना? ये घड़ा का तीन परिवर्तन है, परंतु है में परिवर्तन नहीं है, में परिवर्तन नहीं है ना। यही गन्ना है, रस है, गुड़ है, चीनी है, मिठाई है। देखो एक ही गन्ना कितना नाम रूप में परिवर्तन होता गया, परंतु मिठास में परिवर्तन, चीज है में परिवर्तन नहीं। उसका अंदर में धर्म दर्शन होता है कि अव्यय न व्ययति स्वरूप न व्यभिचरति इति जातः। तो मुझे ऐसे कैसे पता लगा आपको? ये तब मुझे कैसे हो सकता है? हमको तो सब व्यभिचार दिखाई पड़ता है, परिवर्तन देखे कैसे? तब उसके देखिए आगे टीका में बोलते हैं, हाँ तत्र प्रश्न पूर्वक अद्वितीयतम हेतु आह। क्यों वो व्यय नहीं होता? क्योंकि वो अकेला है।
किसी के साथ संबंध नहीं करता, संबंध एक अकेला तत्व है। दो होगा तब तो परिच्छिन्न होगा, व्यय होगा, दो व्यक्तियों का लड़ाई होगा, कुछ लेगा कुछ देगा ऐसा करेगा, परंतु यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। इसलिए बोलते हैं कि तत्व इस विषय में मतलब स्वरूप से व्यभिचार नहीं करता, ठीक है ना। देखिए एक एक पद का कैसे रिलेटेड है, ईशान बोला उसी का अर्थ करते प्रभु, प्रभु कैसे हो सकता है, वो व्यय रहित है। इसलिए ये व्यय रहित क्यों है, क्योंकि वहाँ पे भेद नहीं है, वही तो है नहीं वहाँ पे। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तत्र प्रश्न पूर्वकम इस विषय में व्यय राहित्व में अव्यय में प्रश्न पूर्वकम अद्वितीयत्म हेतु, हेतु क्या है वहाँ पे भेद राहित्व, ये हेतु ये तत्व को तो प्रश्न उठाएगा, ठीक है ना, ये कैसे हो सकता है। तब उसका उत्तर में बोलता है कि अद्वैत सर्वभावानाम दस्मात्, प्रश्न का भाष्य में तस्मात् अद्वैत सर्वभावानाम समस्त भाव वस्तु में रज्जु सर्ववत् निषत्ता। आदि देखिए भाव भाव वस्तु कहते हैं रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा सर्प के जैसा मिथ्या होने के कारण, रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा सर्प के समान समस्त भाव वस्तु ऐसे मिथ्या होने के कारण उसमें कोई व्यभिचार नहीं होता, वो एक ही हमेशा रज्जु एक रूप रहता है, इसे बोलते हैं सर्वभावानाम रज्जु सर्ववत् निषत्ता। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे टीकाकार लिख रहे हैं, अत अद्वितीय व्यय हेतु अभाव, क्योंकि वो भेद रही जाए, भेद होता कुछ भी भेद मतलब गुण हो रूप हो नाम हो कोई आकार हो कुछ भी होता तो उसमें व्यय होना संभव है, परंतु वहाँ पे कुछ ही नहीं है, बोला तो क्या होता है कि वो अव्यय तत्व है, अव्यय भी चल तो अत अद्वितीय व्यय हेतु, क्योंकि इससे अतमान इस तुरीय से पंचमी इससे पंचमी से द्वितीय कोई व्यय रहित तत्व का द्वितीय व्यय हेतु हो, कि व्यय हेतु हेतु में कौन सा विभक्त होना चाहिए, द्वितीय व्यय हेतु का अभाव होने के कारण अभाव शेष। ठीक है आगे ठीक है, विश्वादीना दृश्यमान तुरीय अद्वितीयतम अशिद्धरीता से आप कैसे बोला कि कोई द्वितीय नहीं है, हमें तो सारा द्वैत ही दिखाई पड़ रहे हैं, तो तुरीय व्यय रहित कैसे हो सकता है, हमको द्वितीय दिखाई पड़ता है, बोलते यही तो जो दिखाई दे रहा है वो पारमार्थिक नहीं, यही तो सबसे बड़ा वेदांत दीक्षित सिद्धांत है, हमें लगता है क्या हमें दिखाई दे रहा है ये सत्य है, और शास्त्र क्या बोलते हैं तुझे दिखाई दे रहा है इसलिए मिलता है, लेकिन जो सत्य वस्तु है वो इंद्रियगम्य नहीं है। इसी यहाँ पे क्या बोलते हैं विश्वादेना विश्व तेजस प्राज्ञ इन सभ्यों का दृश्यमान तथा अनुभव में आने के कारण तुरीय अद्वितीय असिद्धि से तुरीय भेद रहित है ये सिद्ध ही नहीं होता, तुरीय अद्वितीयत्व तुरीय में भेद रहित सिद्ध ही नहीं होता। इति आशंका ऐसा शंका करके आते हैं सर्वभावानाम जो भाव वस्तु आपको दिखाई पड़ते हैं ना वो अधिष्ठान के ऊपर प्रतीति मात्र है, वो हमारी अधर्म प्रक्रिया का अंतर्पाती होते हैं, इसलिए बोलते हैं सर्वभावानाम रज्जु सर्वत् निषत्वा मिथ्या होने के कारण। तो आगे यहाँ पे बोल रहे हैं फिर भाष्य में आ जाइए स एष देव वही वो तत्व स एष वही ये देखिए स से क्या मतलब होता है दैट और एष मतलब दिस सन्निकृष्टतम वो जो देवता व्यापक है वो यहाँ पे एष स एष वो देवता जिसको यहाँ पे प्रतिपादन करना चाहता स एष देव वही ये देवता मतलब जिसको आप तुरीय रूप में कहने से चतुर्थ जब नक रहा है वो चतुर्थ नहीं है और सब में अंशित है एष यही पे विद्यमान है जागृत सपना चुचुप में विद्यमान है, इसलिए बोलते हैं स एष देव देव मतलब दोतनाथ देव स्वयं प्रकाश यहाँ पे दोतन देव शब्द का अर्थ हो यहाँ पे इंद्र वरुण आदि नहीं लेना गड़बड़ हो जाएगा मामला, यहाँ पे देवता से कह देंगे स्वयं प्रकाश वो स्वयं प्रकाश द्योतनाथ इसलिए देव शब्द का अर्थ क्या कहते हैं द्योतनाथ देव स्वयं प्रकाश होने का तुरीय चतुर्थ जो तुरीय मतलब जो इससे विलक्षण है जिसको चार इसकी इसी का व्याख्या है तुरीय का व्याख्या करते हैं चतुर्थ मतलब जो चतुर्थ नहीं है परंतु इनके विलक्षण होने के कारण चतुर्थ कहा जा रहा है विभू विभू शब्द का अर्थ कर दिया व्यापी, ठीक है ना व्यापी स्मृत ऐसा स्मरण किया जाता है ना ऐसा स्मरण किया जाता है मतलब कि शास्त्रवेत्ता पुरुष उसको इस प्रकार से जानते हैं समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अवस्था त्रयातीतस्य तुरीयस्य उक्त लक्षणत्वं विद्वत् अनुभव सिद्धं इति सूचयति स्मृता क्यों बोला स्मरण करते हैं इसको विद्वत् विद्वान पुरुष का अनुभव ऐसा है इसलिए बोलते हैं अवस्था त्रयातीतस्य तीनों अवस्था से परे हैं ये तुरीय अवस्था त्रयातीतस्य तुरीयस्य ये तुरीय रूप है उक्त लक्षणत्वं उक्त लक्षण मतलब ये जो देव तुरीय विभु ये जो है ना ये जो उक्त लक्षणत्वं विद्वत् अनुभव सिद्धांत विद्वान के अनुभव से सिद्ध होता है
ये दृष्टि से सिद्ध नहीं होता, अनुभव सिद्ध होता है, विद्या का अनुभव सिद्ध इति सूचयति, इसी को सूचित करने के लिए स्मृतः स्मरण किया जाता है, मतलब विद्वान लोग उसको ऐसे ही सोचते हैं। तीन नंबर टिप्पणी में देखिए क्या तीन नंबर टिप्पणी मिला, विद्वत तीन नंबर स्मृति अनुभव पूर्वक हो, क्यों आपका कभी भी कोई स्मृति होगा, स्मृति अनुभव के बिना नहीं हो सकता, अनुभव के बिना स्मृति हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा स्मृत मतलब क्या हो गया, अनुभव हुआ तभी स्मृति हो रहा है, इसलिए विद्वत अनुभव, इसलिए बोला विद्वत अनुभव, विद्वान के अनुभव से ऐसे, स्मृति शब्द का अर्थ अनुभव नहीं है, स्मृति शब्द का अर्थ अनुभव नहीं है, परंतु अनुभव से ही स्मृति होती है, अनुभव के बिना स्मृति होना संभव नहीं है, इसलिए स्मृति का कहना मतलब क्या है, अनुभव से। समझा रहे हैं वो यदि अनित्य होता तब आपका अनित्य अनुभव होता, और दूसरा अनित्य नहीं दृष्टि दृष्टि विपरीत विद्या, इसको समझना हमेशा, ये अनित्य दृष्टि से हमारा अभ्यस्त हो रखा, आंख की अनित्य दृष्टि, कान की अनित्य दृष्टि, मन की अनित्यता, उसके लिए हमको लगता है कि अनित्य नहीं है, परंतु इन सभी का नहीं दृष्टि दृष्टि कितना बड़ा है, नहीं विज्ञान दूर विज्ञान दे दृष्टि, उसको नहीं देख वहाँ पर बोल रहे हैं ना, इसलिए कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं कि अवस्था त्रयातीत पूर्वीय सुप्त लक्षण विद्वत अनुभव सिद्धम, क्योंकि यहाँ पे अनुभव कहते हैं स्मृति से ही अनुभव होती है, इसलिए यहाँ पे स्मृतम बोला मतलब अनुभव होने के बाद स्मरण करते हैं। ये हो गया हमारा दस नंबर। अच्छा अब देखिए आगे क्या होता है कि टीकाकार अगले की उपोद्घात दे रहे हैं, विश्वादिषु अवांतर विशेष निरूपण द्वारे न तुरियम एव निर्धारयति, है ना, विश्व तेजस और प्राज्ञ इनमें अवांतर विशेष, अवांतर में गौण विशेषता, जो विशेषता है उसको सामान्य विशेषता सभी के अंदर तुरीय विद्यमान है, सच्चिदानंद विद्यमान है, ये तो सामान्य है, परंतु उपाधि की विशेषता से विशेष दिखाई पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि विश्वादिषु, विश्वादि जो स्थान है अवस्था है उसमें अवांतर विशेष निरूपण द्वारे, उसमें अवांतर विशेषता को निरूपण के माध्यम से कहना किसको चाहते हैं, तुरीयमेव निर्धारयति, क्या बोलेंगे, देखो ये सफेद कपड़े का है, देखो वो काला कपड़ा पहना हुआ है, देखो वो भगवा कपड़ा पहना हुआ है, ये सफेद कपड़ा काला कपड़ा भगवा कपड़ा इसमें नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसको समझाने के लिए पहले हमको फिर दिखा रहे हैं, पहले हमको फिर दिखा रहे हैं ये जिसमें नहीं था, इसको लेकर के बोलते हैं विश्वादिषु, क्योंकि जिसको दिखाना यहाँ पे जैसे कि अलग करके वस्तु दिखाई पड़ते हैं, ऐसा तुरिया तो अलग दिखाई नहीं पड़ते, इंद्रिय विषय होते नहीं है, परंतु जो इंद्रिय विषय होते हैं उसके अंदर जो गुण है उसको निषेध कर देने से तुरिया समझ में आता है, एक प्रक्रिया है, इसलिए बोलते हैं विश्वादिषु अवांतर विशेष निरूपण द्वारे न तुरिया में बने धारे, तुरीय तत्व को यहाँ पे निश्चय न धारे यदि मन धारण करना चाहते हैं, गौर माना चाहिए, कार्य कारण बद्धौतौ, कार्य कारण बद्धौतौ, विश्वते विश्व तेजसौ, प्राज्ञ कारण बद्धस्तु, प्राज्ञ कारण बद्धस्तु, द्योतौ तुर्येण सिद्धतः, द्योतौ तुर्येण सिद्धतः, कार्य कारण बद्धौतौ, विश्वते विश्व तेजसौ, प्राज्ञः कारण बद्धस्तु, द्योतौ तुर्येण सिद्धतः। यहाँ पे बोल रहे देखिए कार्य और कारण ये दोनों चीज यहाँ पे थोड़ा झंझट है, झंझट क्या है क्या बोलेंगे, एक कार्य रूप में दिखाई पड़ते हैं और एक कारण रूप में, कारण हो गया बीज अवस्था, कार्य हो गया फल अवस्था, कारण हो गया बीज अवस्था, कार्य हो गया फल अवस्था, ये कार्य और कारण इन दोनों के द्वारा बांधा हुआ है, कौन विश्व तौ तौ विश्व तौ जसौ कार्य कारण बद्धो इष्यते, पहले अपने ऐसा हुआ तौ विश्व तौ यशो कार्य कारण बद्धो इष्यते, अच्छा ठीक है, विश्व वो दोनों कौन विश्व और तेजस, विश्व और तेजस वहाँ पे कार्य रूप भी है कारण भी, कारण अज्ञान भी है और कार्य भी है, मतलब बीज भी है फल भी है,
बीज भी है फल भी है। अच्छा ये बताइए कि बीज और फल इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं, मन का मैं क्यों अर्थ कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे, क्या ये तंतु और पट में कार्यकरण भाव है, ठीक है ना, और आम के गुठली और आम की पेड़ पत्ती आदि उसमें भी कार्यकरण भाव है, ठीक है ना। अब क्या हमारे यहाँ पे क्या है, जो कारण है वो कार्य में, कार्य में अनुसूत है। जिस प्रकार आप बाजार में जा करके बोले कि मेरे को कुर्ता दो, आपको कोई धागा दे दो आप लेके नहीं आओगे, अगर आप धागा खरीदने जाओ आप कुर्ता को दे दो आप लेके नहीं आओगे, परंतु आम खरीदने जाओ गुठली भी साथ में लाओगे कि नहीं, पैसा देकर खरीद के लाएंगे फिर बाद में अपने आप फेंक देंगे, इतना इतना डिस्टर्ब समझ लेना आपने, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा मूल तत्व है जो कारण रूप है अज्ञान, वो तो बीज बीज रूप है, वो उसमें छुपा हुआ है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी है, सुषुप्त में बीज है केवल, मतलब कार्य कारण कार्य भाव नहीं है, इसलिए बोलते हैं दोनों कार्य कारण बद्ध तो इश्यते विश्यते, विश्यते जिसको हो गया स्थूल अभिमानी चेतन और सूक्ष्म अभिमानी चेतन, इन दोनों में कार्य कारण भाव दोनों है, मतलब बीज अंकुर दोनों है, बीज और का फल, बीज फल दोनों है वहाँ के, प्राज्ञस्तु तो कारणबद्ध परंतु प्राज्ञ तो केवल कारण के तरफ बधा हुआ है, केवल अज्ञान है वहाँ पे, मतलब अज्ञान तीनों में सामान्य है और प्राज्ञ में कार्य रूप नहीं है, फल नहीं रूप है, परंतु फल अवस्था आपको स्वप्न और जागृत में दिखाई पड़ता है, और ये दोनों ही मतलब न कारण न कार्य ये दोनों ही तुरियों में नहीं है, दो तो वो दोनों तुरीय न सिद्धतः, वो दोनों तुरियों में सिद्ध नहीं होता, वो दोनों तुरियों में नहीं है। देखिए एक ही श्लोक में कितना सुंदर दिखा दिया, मतलब क्या हो गया कि जागृत और स्वप्न में बीज भी है फल भी है, सुषुप्ति अवस्था में केवल बीज है, परंतु तुरियों ना बीज ना फल किसी के साथ संबंध नहीं। मैं बीज और फल इसलिए बोल रहा हूँ, अन्न कार्य कारण भाव मृतिका भरा अथवा धागा और पर इसमें जैसे कार्य कारण भाव है, ये कार्य कारण भाव यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो बीज और फल की तरह। फल का क्या लेना चाहिए, हाँ विश्व 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 तेज, फल मतलब क्या हो गया वो उसको कवर कर रखा, जिस प्रकार आम की गुठली आम रूपी फल के द्वारा अथवा लीची उसका गुठली उसके फल के द्वारा ढका हुआ है, यही तो सूक्ष्म रहस्य ही है कि आप उस गुठली को, हम लोग क्या करते हैं फल फल खा करके गुठली को फेंक देते हैं, यहाँ पर उसका उल्टा है, फल को छोड़ दो गुठली को देखो, वो आपका दुख निवृत्ति मास्टर है, वो दुख निवृत्ति मास्टर है, इसीलिए छोटा शब्द प्रयोग किया पर समझने क्या है वहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कार्य कारण बद्धो तो ये दोनों जो है कार्य कारण से बंधा हुआ है, विश्व तेजस मतलब स्थूल अभिमानी चेतन सूक्ष्म अभिमानी चेतन ये तो कार्य कारण दोनों से बंधा हुआ है, प्राज्ञ कारण बद्धस्तु परंतु प्राज्ञ केवल मात्र बीज अवस्था है, वहाँ पे आपका फल अवस्था नहीं है बीज अवस्था है, और दो तो ये दोनों कार्य कारण दोनों जो है तूर्य न सिद्ध तूर्य में सिद्ध नहीं है। अब देखिए भगवान भाष्य का क्या बोलते हैं, कभी भाष्य भी पढ़ेंगे, विश्वादीनाम सामान्य विशेष भाव निरूप्यते तुरीय जाथात्म अवधारणार्थम, ठीक है ना, विश्वादीनाम विश्व तेजस प्राज्ञ इन तीनों का सामान्य विशेष, दोनों में सामान्य क्या है विशेष क्या है, ठीक है, देखो विश्व तेजस प्राज्ञ में तीनों में सामान्य क्या है बीज बीज और विशेष क्या है विश्व तेजस में फल है नहीं है और इससे भिन्न क्या है तुरीय न बीज है न फल है, इसीलिए विश्वादीनाम सामान्य विशेष भाव निरूप्यते विश्वादियों का सामान्य विशेष भाव को निरूपण किया जाता है, क्यों उसको क्यों समझाना चाहते हैं, क्योंकि जिसको समझाना चाहते हो उसको समझाने के लिए, समझाना तो विश्व का नहीं है, समझाना तो तुरीय को है, बोलते तुरीय जाथात्म अवधारणार्थम तुरीयों की यथार्थ स्वरूप को निश्चय कराने के लिए, तुरीयों की यथार्थता को निश्चय कराने यथार्थ स्वरूप को निश्चय कराने के लिए अवधारणार्थम, अब देखो ना कार्य कारण बद्ध तो कार्य क्या बोलते हैं कार्यम क्रियते इति फली भाव, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कार्यम मतलब क्रियते किया जाता है, इसको किया जाता है कार्यम क्रियते फली भाव मतलब फलीभूत अवस्था, फली भाव फलीभूत अवस्था मतलब आप पे जागृत स्वप्न भेद करके व्यवहार करते सुखी फलीभूत अवस्था, और कारण हम करो कि जो करता है जैसे हमने बोला बच्चे किस करते क्या गच्छति इसका अर्थ क्या होगा
देखो करोति उसका क्या आएगा कीटसन करोति के प्राज्ञा बीज समझ में आया ये नहीं समझ में आना सबके लगेगा क्या बोलना चाहते हैं यहाँ ये देखिए ना क्या बोलते हैं क्रियते इति फली भावो और कारणम करोति इति बीज भावो इसलिए वो कार्य कारण भाव में नहीं जाना धागा तंतु अथवा मतलब आपका पट तंतु अथवा ये मतलब मिट्टी का घर उसमें नहीं करना आप इसमें करना तब आपको पता लगेगा क्या अभिप्राय करना चाहते हैं जो अंदर क्योंकि उसी बीज से सारा आम शब्द हम बोल दिया आम वृक्ष भी हो सकता है आम की पत्ती भी हो सकते हैं आम के फल भी हो सकता है अपनी गुठली भी हो सकता है एक ही बीज से सारा निकल रहा है जितना वेराइटी दिखाई दे रहा है वो बीज का ही धर्म है इसे अज्ञान बीज वो हो गया करो कि वो सब कुछ करता है इट डज एंड एलुसी एट रिजल्ट कार्य उसी एज ए रिजल्ट फली भाव क्रियते पैसे में मतलब जिसको किया जाता है किया जाता है क्या है फल तो फल को बनाया जाता है फल बनाया जाता है फल फली भाव ये इसको समझने के लिए मतलब समझ लेगा आपको क्या बोलना चाहते हैं कार्य कारण बोल करके मिट्टी का घड़ा नहीं बोला अथवा आपका जो है वहाँ पे तंतु पाठ नहीं बोला तंतु बोल दिया क्रियते इति फली भाव और कारण इति बीज भाव हाँ ये चीज को समझ नहीं आती आप उसको समझा रहे देखिए कि तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम बीज फल भावाभ्याम तो यथक तो विश्व तेजसु बद्ध संगृहित इष्यते ठीक है ना ये हो गया आपका जे तत्व अग्रहण ये हो गया आपका बीज और अन्यथा हो गया आपका फल नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट इज द सीड ऑफ द ऑल मिजरी अन्यथा ग्रहण मतलब उसके फल हम पकड़ ग्रहण कर वहाँ पे क्या हुआ वो हमने ठीक से समझा ही नहीं वो उसने ऐसा किया बस हम मनी मन सोचते लगते हैं गलत समझ लेते हैं ये वेदांत की ये सिद्धांत जीवन में हर जगह पे लागू होता है किसी भी चीज में जहाँ कहीं भी आपको मन में कुछ विक्षेप उत्पन्न हो रहा है पहले उसको अच्छी तरह समझने का कोशिश करें मन में विक्षेप क्यों है यदि आप उसको ठीक से समझ जाएंगे तो विक्षेप चला जाएगा वो अन्यथा ग्रहण हुआ किसी कारण से यदि आप मतलब सच्चाई को एडमिट करने का अंदर से आपके कपड़ से दिया अब तो अन्यथा ग्रहण चला जाएगा तो अग्रहण क्यों अग्रहण आपका चला जाएगा व्यवहारिक से अगर विषय ना चला किसी भी परिवार में कहीं पर आप देखना कि आप बाहर थर्ड पर्सन आसानी से समझ जाता है हर व्यक्ति आसानी समझ जाता है जो व्यक्ति दोनों लड़ रहे हैं वो नहीं समझ क्यों वो अपने को ही प्रतिपन्न वो दूसरा क्या बोल रहा है उसमें जा सकता उसको समझने का कोशिश नहीं इसलिए हमें बोलते हैं तत्व अग्रहण मतलब ये बीज भाव हो गया और अन्यथा ग्रहण मतलब आपका फल भाव इन दोनों के द्वारा ग्रहणाभ्याम इसे बोलते हैं कि बीज फल भावाभ्याम ठीक है ना बीज फल की जो विद्यमान उसके द्वारा तो यथक तो वो दोनों कौन दोनों विश्व तेजसो विश्व तेजस का बद्ध मतलब संगृहित संबद्ध होते एक दूसरे को चिपका हुआ इष्यते यह पर अभिष्ट ये वेदांत में अभिष्ट है प्राज्ञस्तु बीज भाव ने बद्ध प्राज्ञ में क्या है केवल बीज भाव केवल कारण है उसी सब को तो चेतोमुख है वो सब धकेलने के लिए काम बनता है प्राज्ञस्तु तत्व अप्रतिभूत मात्रम एव ही बीजम प्राज्ञते निमित्त ये प्राज्ञता में क्या निमित्त है तत्व अप्रतिभूत मात्र में बस वहाँ पे तत्व का बोध नहीं हो रहा है ठीक है ना तत्व अप्रतिभूत मात्र में वही वही बीज है सारा सारा अनुष्ठ के कारण ही है बार बार देखिए इस जगह पे कितना घुमा घुमा के बोल रहा है अज्ञात ब्रह्म ही आपका दुख के बीज है अज्ञात बोले तत्व अप्रतिबोध ये अज्ञात ब्रह्म ही आपका दुख का बीज है दुख के बीज ऐसे बोलते हैं तत्व प्रतिबोध मात्र में वे बीज और प्राग्ञत्य निमित्त ही जो है प्राग्ञ में वो निमित्त बनते हैं ये दोनों ततः इन दोनों से दो तौ बीज फल भाव तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण द्विवचन है ना इसलिए वो जो दोनों बीज भाव और फल भाव तत्व अग्रहण और अन्यथा ग्रहण ये दोनों ही तुरीय न सिद्ध तो दोनों तुरीय न सिद्ध नहीं होता न विद्यते न संभवतः इति अर्थ जो होना संभव नहीं है सिद्ध नहीं होता प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं वो होना क्योंकि वहाँ पे होना संभव ही नहीं है सर्वता सिद्ध है इतिहास इसका भी प्रयोग करते हैं अभी भी रखते हैं ठीक है थोड़ा सा गहराई से करेंगे है ना क्योंकि ये चीज ध्यान रखना हमारे यहाँ पे कार्य कर्म भाव चुके वही एक प्राग्ञ तत्व मतलब बीज अवस्था है वो अज्ञानी बीज है सारा सृष्टि का दुख सारा दुख का भी बीज है अब मान लीजिए अपरक्ष अनुभूति नहीं हो रहा फिर भी परोक्ष ज्ञान से आप अपने दुख को निवृत्ति कर सकते हैं परोक्ष ज्ञान से यदि उसमें दृढ़ता है ना
परोक्ष ज्ञान में भी ध्रुत है, फिर भी आपको भारी वस्तु स्पर्श नहीं करता है कि हम असंग व्यापक पूर्ण शुद्ध चेतन तत्व है। इस भाव को जितना ध्रुव करते जाएंगे भारी जगत आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा, आएगा अपने प्रबंध कुछ आएगा जाएगा, आएगा जाएगा स्पर्श नहीं कर। ओम पूर्णमद ओ नहीं उसको पहला वाला ठीक है अजमपि जनयोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अवगतिश्चतिमतां प्राप्तदेकं ह्यनेकं विविधविषयधर्मग्राहिमुख्येक्षाणां प्रणतभयविहन्त्री ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि।